हम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बीपीएससी से नव चयनित शिक्षकों के ओरिएंटेशन और अपॉइंटमेंट के संबंध में। जैसा कि हम सबको पता है कि नव नियुक्त शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर प्रोविजनल मिला है, लेकिन कुछ लोग की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो चुकी है और कुछ की नहीं हुई है, तो इनकी पोस्टिंग कैसे होगी और ये लोग अब कहाँ रहेंगे, इसके संबंध में दो पत्रों को मैं साझा कर रहा हूँ। एक पत्र है डायरेक्टर SCERT का, पत्रांक 31/3/2023 का। इसमें कहा गया है कि 4 से 18 नवंबर 2023 तक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो नव नियुक्त शिक्षक हैं, इनका 15 दिवसीय आरंभिक प्रशिक्षण यानी इंडक्शन ट्रेनिंग CTE, DIET, PTEC, BIET, SCERT या BPART में होना है। इसके लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एक लिस्ट तैयार करेंगे और संबंधित प्रशिक्षण संस्थान जैसे CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन या DIET या PTEC या BIET या SCERT या BPART, BPART के दो केंद्र हैं, एक पटना में और गया में, यहाँ के लिए निर्धारित सीटें हैं। जैसे दरभंगा DIET में 360 सीटें निर्धारित हैं, तो सब प्रशिक्षण संस्थान की अलग अलग सीटें निर्धारित हैं। उतनी संख्या में DO साहब शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थानों में भेज देंगे और बाकी जो शिक्षक बचेंगे उनके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पत्रांक 182 जो 2 नवंबर 2023 को निर्गत हुआ है, उसके अनुसार इन्हें विद्यालयों में टैग किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ इन्हें संबद्ध किया जाएगा। इसके लिए पहले इनको BRC में भेजा जाएगा और BRC में 6, 7, 8, 9, 10 नवंबर को इन्हें स्कूल से टैग किया जाएगा। 11 को सैटरडे है और 12 को दीपावली की छुट्टी है। इसके बाद 13 तारीख से इनका प्रशिक्षण जो होगा दो सत्रों में होगा। पहला सत्र 9:30 से 12:30 का और दूसरा सत्र जो है 1:30 से 4 बजे तक का होगा। और इसमें अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जैसे 13 नवंबर को पाठ टीका, पाठ योजना, वर्ग संचालन, विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी और द्वितीय सत्र में MDM यानी मध्यान्ह भोजन योजना की जानकारी इन्हें दी जाएगी। 14 तारीख को प्रथम सत्र में छात्रवृत्ति योजना की जानकारी दी जाएगी, जबकि द्वितीय सत्र में निर्माण, जीर्णोद्वार संबंधी प्राकलन एवं कार्य की जानकारी दी जाएगी। यानी विद्यालय के भवन का निर्माण हो या उसकी मरम्मत करानी हो तो उसके लिए कैसे हम बजट तैयार करेंगे और कैसे कार्य करेंगे, इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। 15 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा के कारण अवकाश होगा। 16 नवंबर को BEP की जानकारी दी जाएगी और द्वितीय सत्र में 16 नवंबर को ही SNA मतलब सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट लेखा संधारण संबंधी हैंड ऑन जानकारी दी जाएगी, मतलब कि लेखा के संबंध में कुछ प्रैक्टिकल कार्य इनसे कराया जाएगा। 17 नवंबर को प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO साहब प्रखंड के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे प्रथम सत्र में और 17 तारीख को ही द्वितीय सत्र में कार्यक्रम पदाधिकारी यानी मनरेगा के जो PO हैं वो मनरेगा की योजनाओं की जानकारी देंगे। 18 नवंबर को अंचल पदाधिकारी यानी CO या राजस्व पदाधिकारी के द्वारा राजस्व संबंधी रिवेन्यू के मैटर के संबंध में जानकारी दी जाएगी प्रथम सत्र में, और द्वितीय सत्र में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा श्रम संसाधन विभाग की प्रखंड स्तरीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वैसे नियोजित शिक्षक जो BPSC के द्वारा अध्यापक के लिए चयनित हो चुके हैं, चाहे प्राथमिक के हों, मध्य के हों, माध्यमिक के हों या उच्चतर माध्यमिक के, वे लोग 6 नवंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक अपने पुराने विद्यालय यानी अभी जहां कार्य कर रहे हैं वहीं कार्य करते रहेंगे। उसके बाद 13, 14, 16 और 17 नवंबर को वे भी BRC में उपरोक्त कार्यक्रमानुसार ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग लेंगे। इस तरह जितने भी शिक्षक हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उन सबको कहीं ना कहीं संबद्ध किया जाना है, चाहे वो BRC में हो या किसी प्रशिक्षण संस्थान में हो या BRC के माध्यम से किसी विद्यालय से उनको संबद्ध
कर दिया गया हो और वे सब कार्य करते रहेंगे। अभी तक बहुत उहापोह की स्थिति थी, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब हम लोग कहाँ रहें, क्या करें। तो इन दो पत्रों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि सभी लोग कहीं ना कहीं संबद्ध कर दिए जाएंगे, चाहे वो किसी प्रशिक्षण संस्थान में रहकर प्रशिक्षण लें, इंडक्शन की ट्रेनिंग लें, या किसी विद्यालय से संबद्ध होकर के वहाँ पर अपना कार्य करें। जिन लोगों का 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 15 दिवसीय ओरिएंटेशन हो चुका है, उनके संबंध में स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको भी किसी न किसी विद्यालय से टैग कर दिया जाएगा और वो लोग भी किसी न किसी विद्यालय से टैग होकर के अपनी सेवा दे सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।